मैं हूँ अमीशा और मैं दामिनी। यस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक टॉक शो जिसका टॉपिक है ब्रेकअप, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। हम आपके लिए ये लेकर आए हैं कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम उससे मूव ऑन कैसे करें। मूव ऑन करना इतना मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है, तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स कह सकते हो बताने वाले हैं जिससे कि आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और हमेशा ये याद रखिए, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर ब्रेकअप हुआ है तो उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं भलाई जरूर छुपी होती है। वो आपको अभी नहीं, आपके फ्यूचर में दिखाई देगी। अगर मान लो आपको समझ आ चुकी है कि हमारा ब्रेकअप किस रीज़न से हुआ है और आपने क्या किया, अपने ब्रेकअप को एक साइड में रखकर अपना करियर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, तो सोचिए आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। लेकिन दामिनी, कई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने करियर पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और बिल्कुल पागल हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये आदत हर एक इंसान में पाई जा रही है आजकल। जिसे देख लो वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लव्ड वन ने या किसी ऐसे करीबी दोस्त ने उसको छोड़ दिया किसी रीज़न से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बिजी कर सकते हैं। अपना ध्यान भटकाने के लिए आप अपना आपको इतना शेड्यूल ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप अपने करियर पे फोकस कर सके और उस इंसान के बारे में ना याद कर सके। सही कहा आपने दामिनी, लेकिन कुछ फेजेस ऐसे भी होते हैं कि हम ये तो बोल देते हैं कि हाँ हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और हम ये बोलते हैं कि हाँ हमने एक्सटर्नली उसे अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन इंटरनली हम उसे दिमाग से नहीं निकाल पाते और हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि हमें अपनी स्टेट ऑफ थिंकिंग चेंज करनी है। जो हमारी गेम है वो हमारी माइंडसेट का है। एक चीज़ में नेगेटिव कुछ देख रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है। हमें उस पॉजिटिव साइड को निकाल कर अपने करियर पे भी फोकस करना है, अपनी लाइफस्टाइल को भी अच्छा करना है और अपनी हेल्थ को भी बचा के रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे जुड़ी चीज़ें, उससे जुड़ी कोई भी बात, कोई भी पिक्चर्स है, सबसे पहले तो उनको डिलीट करो ताकि आपको फ्यूचर में उनकी कोई भी याद आपके पास ना रह जाए। और हाँ, एक आप अपने अंदर उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन कभी मत रखिए। आप एक काम करिए, उसे फ़ोन कॉल मिलाइए। आपने शायद जब भी मैं मूवी देखी होगी उसमें करीना कपूर क्या करती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन उसको फ़ोन कॉल पे निकालती है। वैसे ही आपको करना है, अपनी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर निकालनी है, क्योंकि आपके अंदर जितनी फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी होगी आप अपने आप को उतना डल समझेंगे और अपना माइंड सेट ऐसा बना लेंगे कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। पर याद रखिए, आपने गाली गलौज या फिर उसका कत्ल ही नहीं कर देना, कहीं आप उसका कत्ल करने ही भाग जाओ अपनी फ्रस्ट्रेशन। जी हाँ, आपको फ्रस्ट्रेशन निकालना मतलब एक तरीके से अपना जो आपके दिल में उसके लिए नेगेटिव थिंग्स थी, पॉजिटिव थिंग्स थी, आपको वो सब बतानी है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक डायरी लीजिए और उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दीजिए, उस पर लिख दीजिए कि हाँ हमारे मन में जो कुछ। और हाँ, वो डायरी आपको अपने पास नहीं रखनी है, वो डायरी को इतनी दूर या तो फेंक आइए या तो उसे जला दे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये हमारा टॉक शो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और टॉक शो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।